ये हटा क्यों नहीं सामान अभी तक? हाँ भैया 5 मिनट बाकी। अरे आइए आप लोग आइए, जल्दी जल्दी कीजिए भैया, शादी का घर है, बहुत काम बाकी है। रख दीजिए। और ये अब अरे भैया कित शादी का घर है, आपसे बोला है डस्टबिन में डालिए, आप ही कहाँ कहाँ फेंक रहे हैं। अरे सुंदर भैया ये भुजिया का बॉक्स है, कहाँ रखना है? आप एक काम करो वहां पर रखो, चलो हम रखवा दें। बासी रोटी का नाम था तुम्हारा? खट्टी कि तीखी? मीठी। हाँ हाँ मीठी। हाँ पिया ये आपकी गुड़िया है ना, कितनी बड़ी हो गई, नजर ना लग जाए। मौसी जी मुझे वापस अपना मेकअप करना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो। अरे बेटा कोई बात नहीं होता, हमारे यहाँ काम करती थी ना पहले। अरे बिटिया तुमका याद नहीं होगा, बहुत ही छोटी थी ना तुम, हम तो सोचे भी नहीं थे कि आपसे इतने वक्त बाद ऐसे शहर में मुलाकात हो जाइए। आप यहाँ कैसे? आर्यन सिंह राठौर को जानती हो? अरे कैसे जानेगी, पढ़ना लिखना तो आता नहीं, रेडियो टीवी तो होगा नहीं, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, अरे उसकी बड़ी माँ है हम, आई सब शादी का तैयारी उसी के लिए हो रहा। तुमको यहाँ काम पे कौन रख लिया? और तनख्वाह उनका बढ़ाई हो कि अभी भी जो जितना पैसा दे देता है उतने में काम कर लेती हो चुपचाप? हम ये यहाँ हिंदी वर्णमाला का इतने अक्षर सीखी हो, अभी भी नहीं सुधरी हो तुम। पहले काम उम ठीक ठाक कर लेती थी लेकिन थी मंद बुद्धि, अरे अब तो सुधर जा। हम यहाँ मुझे और अपनी बेटी को अपना आशीर्वाद देने आई है। इनसे मिलिए, ये मेरी होने वाली सास और इमली की माँ है। ये कच्ची अमिया की माँ है? इमली बड़ी माँ, उसका नाम इमली है, वो मेरी होने वाली पत्नी और आपकी बहू है। सो प्लीज उसका नाम तो याद कर लीजिए आप। लेकिन ये काम वाली है, अरे हमारे यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, और इतने सारे काम कर इन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया बढ़ाया, स्टेट का टॉपर बनाया। इमली में इतने संस्कार हैं कि वो अपना काम और अपने रिश्ते दोनों को बैलेंस करना जानती है, इनकी वजह से।
ये और इनकी बेटी मेरे लिए इंस्पिरेशन है बड़ी माँ, और मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि कुछ ही दिनों में ये मुझे अपना बेटा बुलाएंगी। क्या हुआ, आप दोनों ऐसे चुप कैसे हो गए? एक काम कीजिए, अंदर जाइए, पानी पीजिए, शायद गॉसिप करने का और मौका मिल जाए आपको। आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। इमलिया मिली? नहीं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों साथ मिलकर उसे ढूंढेंगे। आइए गंगा इतनी भी नहीं सूखी है कि इबासी रोटी तुम्हारे हिस्से का असली घी चुपड़ ले, समझी रे गुड़िया? डोंट वरी आंटी ब्लू, वो टैमरिंडा अपने हैशटैग बॉक्स में पड़ी रहेगी और मैं उसे अपना हक कभी छीनने नहीं दूंगी। सब कमरों में देख लिया, मैं किचन में भी देखा, वहां भी नहीं थी वो, छत पे भी नहीं, आंगन में भी नहीं मिली, तो इमली गई कहां? जल्दी कीजिए, शुभ मुहूर्त निकलने वाला है। हरु, तुझे इमली मिली ना? नहीं। कहां चली गई ये लड़की? नहीं मिली तो कहां गई? पंडित जी, अब तो आप मुहूर्त की चिंता कर देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि होने वाली दुल्हन तो भाग गई। इमली क्यों भागेगी? क्या बकवास कर रही हो गुड़िया? प्लीज कॉल मी डॉलर पीदी। और वैसे भी ये बकवास नहीं है। देखो, हम सब यहाँ आए थे एवरी बेबी और टैमरिंडा की एंगेजमेंट के लिए, राइट? लेकिन अब अगर उसे एवरी बेबी से एंगेज ही नहीं होना है तो क्या पता, शायद किसी और के साथ एंगेज हो गई हो। केयरफुल पीडी, डोंट, इमली मेरी वाइफ है। ओके, आई एम सॉरी एरी बेबी, लेकिन तुमने भी तो अपने वाइफ को अपने एक्स के घर लाकर गलती ही कर दी ना। यू नेवर नो, शायद यहाँ आकर अपने एक्स को मिलकर उसकी लाइफ की टाइमलाइन पर पुरानी मेमोरीज फ्लैश हो रही हूँ। शायद उसी के साथ एंगेज हो गई हो। ठीक ही है, वैसे भी ये एक्सेस ना ऐसे ही होते हैं, कहीं से भी लाइफ में घुस जाते हैं। वैसे क्या नाम बताया था टैमरिंडा के एक्स का? जीजी प्लीज इसे चुप करा लीजिए, वरना मुझे बोलना पड़ेगा। जितनी सीटी तुझे लगानी थी लगा ली, झोंका हमें मारने दे। आप सब इसकी बातों का बुरा मत मानना, वो क्या है ना कि दिल मक्खन होता है तो जुबान भी कभी कभी फिसल ही जाता है। आरू बेटा, तुझे बहुत बुरा लगा ना? तुम चिंता मत करो, तुम्हारी अंबिया इतनी भी मंद बुद्धि नहीं है कि किसी भी ऐरे गैरे के साथ भाग जाएगी। हाँ, उम्र कच्ची है तो मन बदलते देर नहीं लगेगा। वैसे तुम्हारी अंबिया इतनी भी तो कच्ची नहीं होगी, इमली!